उत्तर प्रदेश के बरेली में आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस वार्ता में कहा, हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार के बाद मुस्लिम धर्म संसद के फैसले पर कल के बाद नमाज जुमा इस्लामिया ग्राउंड में सख्ती के साथ कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा, आज देर रात तक हरिद्वार में मुसलमानों ने नरसंहार की धमकी देने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो हम मुस्लिम धर्म संसद के फैसले पर विचार करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हमें लगता नहीं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि आरोपियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मौलाना ने कहा, हम अमन शांति में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम खुद को पेश कर रहे हैं। अगर उन आतंकवादियों की प्यास हमारे खून से बुझती है तो हम देश में अमन भाईचारे के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। है इसके पीछे पूरा मिशन चला रहे हैं ये लोग। मुसलमानों को जिस तरह से भी बदनाम किया जा सकता है, 2100 अपने नौजवानों को इन्होंने ऐलान किया कि तुम मुसलमानों की लड़कियों को वरगलाओ, बहकाओ, उनसे लव करो, प्यार मोहब्बत में फंसाओ, भगा के लाओ, उनसे शादी करो, 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। अरे तू जब मुसलमान की बेटी ले आएगा तो तेरी बेटी घर बैठी रह जाएगी। मैं तो हिंदू से कहता हूं कि ये हिंदू जो इस किस्म की बात करता है ये असल में हिंदुओं का दुश्मन है। जब हिंदू नौजवान मुसलमान लड़की ले जाएगा तो हिंदू लड़की कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी? तो ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस किस्म की गहरी साजिशें रचते हैं। अब इनके खिलाफ सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। मैंने महसूस किया है कि मेरे नौजवान अब इनको कंट्रोल करना मुहाल हो जाएगा, इसलिए मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ हूँ। मेरे इस कदम से पुलिस को और प्रशासन को मेरा इसमें भरपूर सहयोग करना चाहिए और मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर मेरे इस एहतजाज में आने वाले लोगों को रोका टोका गया या उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हुई तो उसके लिए जिम्मेदार जिला पुलिस और जिला प्रशासन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।